हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सो गाइस, सो सॉरी फॉर लास्ट नाइट के हम लोग रात को कोई भी अपडेट नहीं आपको दे पाए, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे मनाली से मंडी के लिए। सो मंडी हम लोग अप्रॉक्स कोई 10-11 बजे तक पहुँचे यहाँ पे, बिकॉज रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था और बहुत स्टीप रोड था और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था लगा हुआ। मतलब काफ़ी एडवेंचर जो ये टूर अभी तक रहा है हमारा, बहुत काफ़ी अच्छा एडवेंचर टूर रहा है। तो गाइस आगे का प्लान हमारा कुछ भी नहीं था, हमारा ये प्लान था कि हमने वापस शिमला निकलना है, बट हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, सो मंडी में ही स्टे करना पड़ा। सो मेरा दोस्त रहता है एक मंडी में, मिस्टर करण सिंह पटियाल उर्फ करण SP। सो यहाँ पे वो उनका अपना घर है, सो अभी हम उनके घर ही रुके हैं। सो रात को हमने मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, हम लोग काफ़ी लेट नाइट तक जागते रहे। सो देखो अभी तक मेरा छोटा भाई तो अभी तक सोया हुआ है गाइस। सो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस। हेलो गाइस, तो ये देखो आपको मंडी का मैं हल्की सी एक मंडी की झलक, मंडी के गांव की झलक। गागल गागल यह एयरपोर्ट बनेगा नीचे, सब बताओ ना पूरा यार, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है अभी बिकने वाली है जल्दी जमीन। यहाँ आर्मी एयरपोर्ट बनने वाला है कुछ ही टाइम में, तो गाइस वो भी आपको दिखाएंगे आने वाली वीडियोस में। हेलो गाइस, व्हाट्स अप। सो सुबह के बज गए हैं 11:30 और अब हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट अभी कुछ काम था, सो हमने बाइक अपना वॉश कर दिया एंड सब कुछ सारा सामान रेडी कर दिया और बैग पैक कर लिया। बैग पैकिंग सब कुछ हो चुकी है गाइस और हम शिमला के लिए बस जस्ट निकलने वाले हैं ब्रेकफास्ट करके। सो गाइज ये देखो छोटा सा थोड़ा सा व्यू आपको मंडी विलेज की थोड़ी सी झलक। यस, और वो पीछे मेरा दोस्त है जिसके घर पे हम रुके हैं। सो गाइज बहुत ही मज़ा आ रहा है ट्रिप में, ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा लगा। सो मैं रिकमेंड करूँगा आप ज़रूर आओ, मंडी भी ज़रूर आना और बहुत ही प्यारी जगह है गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यूनिंग, स्टे हेल्दी, बी सेफ। गिलास पकड़ाने यार तुम। हेलो गाइस, तो ये देखो बढ़िया धूप में हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है गाइस, तो बहुत ही तकड़ी सेवा कर रहे हैं हमारे करण भाई हमारी पानी भर रहे हैं अभी। और ये देखो गाइस कद्दू का मिठा जिसको बोलते हैं, बहुत ही स्वीट डिश है और मतलब बहुत ही लाजवाब दिख रहा है। बाकी खाने के बाद आपको टेस्ट ज़रूर बताऊँगा कैसा था। तो गाइस स्टे ट्यूनिंग, स्टे हैप्पी, बी सेफ। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक। सो एक्चुअली हमारे जो बाइक है उसकी चेन हो गई है बहुत ज़्यादा ढीली, बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है बाइक चेन। सो हम इसको टाइट करवाने आए हैं इधर। सो अभी भाई के पास, भाई अंदर टूल देख रहे हैं, भाई अभी टाइट करेंगे चेन और फिर देखते हैं हमारा ड्यूक रेडी हो जाता है एकदम से। तो कीप इन टच गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग।
सिगरेट। हेलो गाइस, सो वेरी गुड इवनिंग गाइस। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी मशोबरा। तो गाइस अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे चाय पानी करने। तो आप लोग जब भी मशोबरा आइएगा, जब भी या फिर आप नालदेरा आइएगा, तो ज़रूर यहाँ पे ये मशोबरा से थोड़ा सा दो एक मोड़ आगे एक ढाबा है, बहुत ही प्यारा है। मतलब यहाँ का बर्गर बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप ज़रूर यहाँ पे बर्गर मतलब खाना और चाय भी ज़रूर पीना, बहुत तगड़ी चाय मिलती है गाइज यहाँ पे। सो मैं यही रिकमेंड करूँगा गाइज, आज तो हमारे बहुत ज़्यादा बुरे हाल हो चुके हैं। हालांकि हमने अपनी बाइक तो ऑलमोस्ट साफ़ कर दी थी, धो दी थी, मतलब वॉशिंग ऑल ओवर कर दी थी, बट हम अपनी वॉशिंग नहीं कर पाए, खुद की वॉशिंग करना भी बाकी है। ये देखो तो गाइज, एक बार मैं आपको थोड़ा सा व्यू इस ढाबे का दे देता हूँ। ये ढाबा है। सो जब भी आप नालदेरा आओ, कहीं भी आओ, मतलब अपना सुन्नी वाली साइड पे आओ, तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट करना गाइज। सो थैंक यू सो मच। अभी हम लोग घर नहीं पहुँचे, अभी हार्डली यहाँ से 10-15 किलोमीटर हमारा घर वापस है। तो सो कीप इन टच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज। हेलो गाइज, तो कैसे हो आप लोग? सो एक बार फिर से आपका भाई, आपका अपना भाई आपके सामने इस वीडियो को लेके। सो गाइज, इसमें मैं थोड़ा सा इंट्रो आपको दूंगा अपना। मेरा नाम मोहित ठाकुर, फ्रॉम हिमालयन कॉलिंग। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है, मैं एक टूर एंड ट्रैवल की एजेंसी भी चला रहा हूँ और साथ में ही मैं एक रेंटल एजेंसी भी चला रहा हूँ। साथ में ही अपने मेरे कुछ दोस्तों के होटल्स भी है, तो उनकी एडवर्टाइजमेंट भी मैं कर रहा हूँ। सो गाइज, अगर आप हिमाचल प्रदेश आ रहे हो, कहीं भी घूमने आ रहे हो, सो गाइज मोस्टली आपको रिकमेंड मैं बेस्ट से बेस्ट होटल्स करूँगा, बेस्ट से बेस्ट प्राइजेज में करूँगा। और वन ऑफ द मोस्ट थिंग गाइज, हिमाचल में अभी तक कार रेंटल की फैसिलिटीज़ नहीं है। मैं वो फैसिलिटीज इन शिमला दे रहा हूँ गाइज, जिसमें से कि हमारी ब्लैरो, जिप्सी, थार एंड आपका स्विफ्ट डिज़ायर एंड आपका ऑल्टो, हमारे पास 4-5 गाड़ियों की वैराइटीज़ है जो हम इसमें रेंटल कर रहे हैं गाइज। और बाइक्स की भी मैं फैसिलिटीज़ दे रहा हूँ यहाँ पे रेंटल के लिए। बाइक्स में मेरे पास हिमालयन बुलेट, रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक मैट ब्लैक में मिल जाएगी आपको, एंड गाइज एवेंजर 220 क्रूज, एक्सपल्स 200। गाइज मेरे पास 7-8 वैराइटीज़ बाइक्स के लिए भी है। तो गाइज आप कभी भी आओगे तो मोस्टली आपका मोस्टली वेलकम है मेरे पास। एंड वन ऑफ द मोस्ट थिंग गाइज, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि अभी जस्ट मैं विद इन 2 मंथ के बाद मैं एक कैंपिंग साइट भी खोलने जा रहा हूँ इन नालदेरा। तो ज़रूर गाइज वहाँ का व्लॉग भी जल्दी ही आएगा आपके पास। कंस्ट्रक्शन वर्क जितना भी रहेगा वहाँ का, मैं सब कुछ प्रॉपरली आपको बताऊँगा, और वहाँ का भी जो रेट रहेगा बहुत ज़्यादा चीप रहेगा गाइज। तो आपका सपोर्ट रहा, आपने वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा लाइक किया, पसंद किया, शेयर भी किया होगा, आपके काफ़ी सारे दोस्त, मतलब मोस्टली जब बंदा आता है यार शिमला में तो उसको प्रॉपरली पता नहीं चलता है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो गाइज ज़रूर मेरे को कॉल करो यार, 8261831595 ये मेरा नंबर है। सो गाइज एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 8261831595। आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, और आप मेरे को इंस्टा पे भी DM कर सकते हो, THAKURHANI इस नाम से मैं इंस्टाग्राम पे हूँ। एंड फेसबुक का भी मैं आपको लिंक ज़रूर डिस्क्राइब कर दूंगा गाइज। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज वीडियोज़।